एवरीवन एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। दोस्तों आज कल मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ। दोस्तों आप ये सब जो आइस ब्लॉक्स देख रहे हो ना, बड़े बड़े आइस ब्लॉक्स जो कि फूड प्रिजर्वेशन के लिए बहुत ही अहम है, तो ऐसे जो आइस ब्लॉक्स वो बनते कैसे है, कैसे वो बनते हैं, इतना बड़ा बड़ा आइस ब्लॉक कैसे बनते हैं। आप घरों में फ्रिज में छोटे छोटे आइस ब्लॉक बनाते हो, लेकिन इतने बड़े आइस ब्लॉक कैसे बनते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। जनरली आप जब फिश खरीदने जाते होंगे तो ऐसे बड़े बड़े आइस ब्लॉक्स आप देखे होंगे जो जिसमें से प्रिजर्व किया जाता है फिश को। तो ऐसे आइस ब्लॉक्स दोस्तों बनते कैसे है, कैसे बनते हैं, आज हम लोग दोस्तों इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों एक्चुअली ये जो बड़े बड़े आइस ब्लॉक्स होते हैं ना, वो आइस प्लांट में बनते हैं। ओके, तो आइस प्लांट में बनते हैं, तो ये आइस प्लांट में आप देख सकते हो, ये जो पानी आप देख रहे हो ना, ये पानी दोस्तों नमक और पानी दोनों के मिक्सचर है। ओके, सॉल्ट एंड वाटर मिक्सचर, जिसको हम लोग ब्राइन भी बोलते हैं। ओके, और ये जो देख रहे हो ना, ये आइस कैन है, मतलब ये जो कैन है, ये सब जो देख रहे हो ये कैन है। ओके, ये कैन है, ये दूसरा कैन है, तो इस कैन में क्या होता है कि नॉर्मल वाटर को रख दिया जाता है। ओके, और यहाँ पर दोस्तों ब्राइन रहता है, ब्राइन मतलब सॉल्ट प्लस वाटर मिक्सचर, जो सॉल्ट पानी एक नॉर्मल पानी में दोस्तों मिक्स कर देने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस के बजाय -23 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ओके, इसके वजह से दोस्तों ब्राइन को प्रिफर किया जाता है, और यहाँ पर इस कैन में दोस्तों एक्चुअली नॉर्मल वाटर को रख दिया जाता है। ओके, तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे करके एक दिन अगर ऐसे ब्राइन जो है वो पूरा एकदम से ठंडा रहेगा, और ये एक नॉर्मल वाटर हमको इस पानी में दोस्तों फिलअप करना है। ओके, तो वो अगर हम लोग एक दिन रख देंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर दोस्तों एक दिन के बाद अगर हम छोड़ के देखेंगे तो ये जो पानी कैन में रहेगा वो पूरा एकदम से आइस में कन्वर्ट कर दिया हो जाया होगा। तो वो कैसे होता है पूरी प्रोसेस, दोस्तों हम लोग आज इस वीडियो में दोस्तों डिस्कशन करने वाले है। ओके, देखिए इस जो आइस जब फॉर्मेशन हो जाएगा तो इसी आइस फॉर्मेशन जो फॉर्म हुआ रहेगा उसी को फिर कैरी किया जाता है और भेज दिया जाता है इंडस्ट्रियल पर्पोज के लिए या फिर कमर्शियल पर्पोज के लिए, उसको भेज दिया जाता है आगे। तो ये दोस्तों कैसे आइस कन्वर्ट हो रहा है, उसी प्रोसेस को आज हम लोग इस वीडियो में दोस्तों डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसीलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आगे जाके दोस्तों जो भी मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोज बनाऊंगी ना, उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके मोबाइल में पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को जानते आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि ये जो आइस फॉर्म हो रहा है आइस कैन में वो किस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है दोस्तों। ओके, देखिए पूरा ये जो सर्किट डायग्राम आप मैंने ये जो डायग्राम दिखाया है मैंने, वो पहले डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए जो आइस प्लांट में जो आइस फॉर्म हो रहा है उस वो वेपर कंप्रेशन सिस्टम के ऊपर भी बेस्ड है। ओके, देखिए मैं पहले आपको प्रोसेस समझा रही हूँ। यहाँ पर दोस्तों वेपर कंप्रेशन सिस्टम में कंप्रेसर, कंडेंसर, रिसीवर और इवापोरेटर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वेपर कंप्रेशन सिस्टम को चलाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये तो एक वेपर कंप्रेशन सिस्टम को चलाने के लिए एक रेफ्रिजरेंट की तो यूज किया होगी, क्योंकि रेफ्रिजरेंट जो है वो हमारे बॉडी में जैसे ब्लड का काम, एक ब्लड जो है बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, उस तरह रेफ्रिजरेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दोस्तों निभाता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि रेफ्रिजरेंट जो है वो अमोनिया एज ए रेफ्रिजरेंट को यूज किया जाता है दोस्तों। तो क्या होता है आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं दोस्तों, कंप्रेसर से क्या होता है कि जब अमोनिया जाता है कंप्रेसर में तो वो एकदम सा कंप्रेस हो जाता है। ओके, अमोनिया जब जाता है तो ये क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। ओके, कंप्रेसर में कंप्रेस हो रहा है, पिस्टन सिलेंडर की अरेंजमेंट रहती है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि पिस्टन क्या करता है, कंप्रेस करता है उस रेफ्रिजरेंट को। ओके, रेफ्रिजरेंट मतलब अमोनिया को वो कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने के बाद क्या होता है कि वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, देन इट इज सेंड टू द कंडेंसर। ओके, कंडेंसर में क्या होता है, कंडेंसर एक हीट एक्सचेंजर है, तो वो जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाला रेफ्रिजरेंट जो है वो एंटर किया होता है कंडेंसर में, वो क्या करता है कि हीट को वो बाहर की तरफ खींचता है, हीट आउट लिखा हुआ है, हीट वो फेंक देता है, जिसके वजह से क्या होता है कि उसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फेज ट्रांसफॉर्म मतलब यहाँ पर जो है जो वेपर रेफ्रिजरेंट था वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट मतलब लिक्विड अमोनिया में वो कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। ओके, कंडेंसर एक हीट एक्सचेंजर है, जहां पर क्या होता है कि
जो रेफ्रिजरेंट था वो हीट को बाहर की खींच फेंक देता है और फिर वो वेपर रेफ्रिजरेंट क्या होता है कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, वो लिक्विड अमोनिया क्या करता है, एक्सपांसन भाल में जाता है। ओके, एक्सपांसन भाल में जाता है, एक्सपांसन भाल में क्या होता है, उसका प्रेशर रिड्यूस होता है और उसका टेम्परेचर भी रिड्यूस कर जाता है उस रेफ्रिजरेंट का। जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट एक्सपांसन भाल में जाएगा तो क्या होगा, एक्सपांसन भाल में जाने से उसका प्रेशर कम हो जाएगा और उसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। फिर बाद में जाता है इवापोरेटर में। ओके, वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट आफ्टर दैट एंटर्स इनटू द इवापोरेटर। ओके, इस देख सकते हैं आप इवापोरेटर। अभी इवापोरेटर में बहुत कुछ चीज हो रहा है जो कि आपको समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इवापोरेटर में हो रहा है। इवापोरेटर में क्या हो रहा है, जब भी लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट एंटर करता है इस इवापोरेटर में तो क्या करता है, यहां से हाई टेम्परेचर वाला जो ब्राइन होता है वो एंटर किया है। ओके, हाई टेम्परेचर वाला ब्राइन जो है वो एंटर किया है। तो इवापोरेटर एक हीट एक्सचेंजर है, तो क्या होता है कि जब भी ये हाई टेम्परेचर वाला ब्राइन जब इवापोरेटर में जाएगा तो क्या होगा, यहां पर देखिए, यहां पर होता है एक लो प्रेशर लो टेम्परेचर लो टेम्परेचर लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट है। ओके, यहां पर ब्राइन है जो कि हाई टेम्परेचर में है, तो क्या होगा कि हीट उन दोनों में एक्सचेंज होगा। ब्राइन जो है वो हाई टेम्परेचर में है, रेफ्रिजरेंट जो है लो टेम्परेचर में है, तो इन दोनों में दोस्तों हीट एक्सचेंज होगा। हीट एक्सचेंज होने से क्या होगा कि ब्राइन जो है वो ठंडा हो जाएगा और रेफ्रिजरेंट जो है वो गर्म हो जाएगा। ओके, रेफ्रिजरेंट का जो है वो गर्म हो जाएगा, फिर आगे जाके कंप्रेसर में जाएगा, वो ये साइकिल जो है कंटिन्यू होगा। लेकिन रेफ्रिजरेंट जो ब्राइन होता है वो ठंडा हो जाएगा। ब्राइन जब ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा कि वो फिर से इस कैन इस इंसुलेटेड टैंक में आ जाएगा। ओके, ब्राइन जो है वो इंसुलेटेड टैंक में फिर से आ जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर दोस्तों ब्राइन है। ब्राइन का मतलब दोस्तों मैं बार बार बोल रही हूँ, सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, सॉल्ट और वाटर दोनों को मिक्स कर देने से क्या होता है कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है 0 डिग्री सेल्सियस के बजाय -23 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ओके, अभी ये जो ठंडा ब्राइन है, ठंडा जो पानी है, ठंडा ब्राइन है, वो क्या करेगा कि यहाँ पर दोस्तों नॉर्मल वाटर हम रखे, वर्कर्स लोग नॉर्मल वाटर रख देते, तो क्या करता है ब्राइन, क्या करता है इसमें इसी जो कैन और फिर ये जो वाटर से हीट को एब्जॉर्व कर लेता है, हीट को वो खींच लेता है। ओके, हीट को खींचता है, फिर बाद में वो इवापोरेटर में चला जाता है। ओके, इस ब्राइन इस पंप के थ्रू वो इवापोरेटर में जाता है। तो उस ब्राइन का यूजुअल काम दोस्तों क्या है कि वो हीट को एक्सट्रैक्ट करता है, हीट को एक्सट्रैक्ट करता है इस कैन से या फिर वाटर से। तो उसके वजह से क्या होता है कि अगर हम ऐसे ही रख देंगे एक दिन 24 घंटे के लिए, तो आप देखोगे कि नेक्स्ट डे अगर देखोगे तो ये जो कैन यूजुअली कवर्ड रहता है, तो उसको खोलोगे तो यहाँ पर दोस्तों पूरा एकदम से अच्छा ऐसा एक आइस ब्लॉक आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक आइस कैन जो कि हम लोग उसको कंज्यूम भी कर सकते हैं, वो आइस कैन उसको फिर वर्कर्स धोते हैं, उसको पानी स्प्रे करके धोते हैं, फिर उसको इंडस्ट्रियल या फिर कमर्शियल यूज के लिए इसी आइस ब्लॉक को भेज दिया जाता है। ओके, तो ये होता है बेसिकली इस तरह से आइस क्यूब्स, बड़े बड़े आइस क्यूब्स दोस्तों आइस प्लांट में बनते हैं। अगर तो आप आई होप कि आपको इस वीडियो में समझ में आई होगी कि आइस बड़े बड़े आइस क्यूब्स जो है वो कैसे बनते हैं। अगर फिर भी कुछ डाउट्स हो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए, मैं आपकी डाउट्स को क्लियर करने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जो भी मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोज बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन दोस्तों डायरेक्टली आपके मोबाइल में पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को यहाँ पर ही एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।